हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर। सक्सेस कोचिंग सेंटर की रिवीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टॉपिक को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको परागकण की संरचना पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में। मैंने आपको परागण क्रिया से पहले नर युग्मक उद्भिद के विकास को भी समझाया है उसी लेक्चर में। मैंने आपसे कहा था कि जो परागकण होता है वो नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आज हम लोग आगे बात करेंगे और आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड की संरचना क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीजांड की संरचना। हमने कहा कि आपको पढ़ना है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना करना है, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि सबसे पहले बीजांड होता कहाँ है। तो देख लीजिए, हम लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जननांग होता है पुष्प में, वो होता है गाइनोसियम, जिसे हिंदी में कहते हैं जायांग। अब जो जायांग है वो एक या एक से अधिक कार्पल से मिलकर बनता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडा। और इसी अंडा को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जो एक पिस्टिल है उसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं। आप लोगों को मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तीनों भागों को, ताकि समझने में सरलता हो। ये ऊपर वाला भाग जो सबसे चौथा भाग होता है पुष्प का, उसमें चार भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जो कहलाता है उसे हम लोग स्टिग्मा कहलाता है या स्टिग्मा होता है, और इसके नीचे स्टाइल होता है, और सबसे नीचे ओवरी होता है। ये जो ओवरी है इसी में ओव्यूल भरे होते हैं, इसी में बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, बीजांड की संरचना की, ठीक है। तो मैंने इतना चीज आपको बताया, अब हम लोग बीजांड की संरचना की बात करते हैं। अगर हम बीजांड की संरचना की बात करते हैं तो हमको कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं डायग्राम में। हम फटाफट एकदम स्पीड में डायग्राम बनाएंगे, बहुत कम समय में काफी अच्छा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। बीजांड की संरचना, जब हम बीजांड की संरचना की बात करते हैं तो हमें एक थैली जैसी रचना दिखाई देती है, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने चित्र बना देता हूं। चलिए देखिए, इस तरीके से हमने बीजांड का डायग्राम बनाया, बीजांड की संरचना बनाई, ठीक है। हमने इस तरीके से थोड़ा सा रफ डायग्राम करके बनाया बीजांड क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम इसके संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले उस बिंदु पर बात करते हैं जिसके माध्यम से बीजांड जो है वो अंडाशय में प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का मतलब वह ऊतक जो इस पूरे स्ट्रक्चर को पोषण देगा, पूरे स्ट्रक्चर को पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है प्लेसेंटा, जिसे हम लोग बीजांडासन हिंदी में कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये होता है आपका प्लेसेंटा, या अपरा बोल सकते हैं। प्लेसेंटा से जिस वृंत द्वारा बीजांड जुड़ा होता है, जिस विशेष रचना द्वारा बीजांड जुड़ा होता है, उसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं।
अंग्रेजी में फुनिकल कहते हैं, फुनिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बीजांड का वह भाग जो बीजांड ब्रंत से जुड़ा होता है, ये वाला भाग, इसे हम लोग नाभि कहते हैं या अंग्रेजी में हाइलस कहते हैं, कभी कभी हाइलम भी लिखा होता है, ठीक है। अब हमने कहा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है बीजांड। बीजांड को चारों तरफ से घिरे हुए एक या दो स्तर के बने हुए आवरण पाए जाते हैं। इन आवरणों को हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। बाहर वाले आवरण को हम लोग बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, इसे अंग्रेजी में आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। आउटर इंटेगमेंट कहते हैं अंदर वाले को अंतः अध्यावरण या इनर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट, उसके बाद नीचे की ओर जो होता है अंदर की ओर से हम लोग इनर इंटेगमेंट कहते हैं, अंतः अध्यावरण कहते हैं। अब ये जो इंटेगमेंट है बीजांड में किसी स्थान पर अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तब हम उस स्थान को कहते हैं बीजांड द्वार। अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलते हैं। हिंदी में इसी को बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं। जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड का मुख्य स्थान होता है या फिर द्वार होता है जहां से बीजांड में पराग नदी अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम अंदर चल के देखते हैं तो हमको एक थैली जैसी, एक पॉकेट जैसी रचना दिखाई देती है। इस थैली जैसी रचना के चारों तरफ, देखिए ये बीच वाली रचना जो है थैली जैसी है, इस रचना के चारों तरफ एक पतला आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम लोग बोलते हैं बीजांड काय, इसे अंग्रेजी में तो कुछ और बोलते हैं, हिंदी में इसे बीजांड काय कहते हैं, अंग्रेजी में इसको न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है, न्यूसेलस या फिर बीजांड काय कहते हैं। याद रखिए जो माइक्रोपाइल है इसकी विपरीत दिशा वाला जो एरिया होगा इसे हम लोग कैलाजा कहते हैं या फिर चलाजा कहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमने कहा कि यहाँ बीच में एक थैली जैसी रचना है जिसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश में चलाजा वाली दिशा में या कैलाजा वाली दिशा में तीन इस तरीके से कोशिकाएं लगी होती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, इन्हें हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। हिंदी में बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रति व्यासांत, प्रति व्यासांत कोशिका, क्या बोलते हैं, प्रति व्यासांत कोशिका। उसके बाद इसी थैली के मध्य भाग में दो केंद्रक पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। याद रखिएगा इसका और भी एक नाम है भ्रूणकोश केंद्रक, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसके नाम हैं। अब इसके बाद हम और नीचे चले जाते हैं तो हमको तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ भी दिखाई देती हैं। दो पार्श्व में छोटी कोशिकाएं होती हैं और एक बीच में बड़ी कोशिका होती है। जो ऊपर की ओर बड़ी कोशिका है
इसे हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, इसे हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं ओवम, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एग। फिर हमने कहा कि जो पार्श्व में दो छोटी कोशिकाएं हैं इन्हें हम लोग सहायक कोशिका, सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं। अब ये ओवम और सिनर्जिड सेल, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, दोनों मिलकर के एक विशेष रचना बनाती हैं जिसे हम लोग अंड समुच्चय कहते हैं, इसे हम लोग अंड समुच्चय या फिर इगापराटस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अंड उपकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक विज्ञान की संरचना दिखाई दी। और याद रखिएगा, ये पूरी संरचना एंटीपोडल से लेकर के इगापराटस तक की रचना को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, अर्थात भ्रूण कोष। ठीक है, इस तरीके से हमने बीजांड की संरचना कवर किया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, मैं आपको फिर से पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हमने कहा बीजांड जो है एक थैली जैसी रचना होती है, इसे हम लोग गुरु बीजांड धानी भी कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। अब बीजांड जिस छोटे से ग्रंथ द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसे हम लोग बीजांड ग्रंथ या फिर फंडिल कहते हैं। बीजांड चारों तरफ से एक आवरण से घिरा होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। बाहरी अध्यावरण को आउटर इंटेगमेंट और अंदर वाले अध्यावरण को इनर इंटेगमेंट कहते हैं। इंटेगमेंट किसी स्थान पर अधूरे होते हैं, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल का विपरीत दिशा वाला भाग जो होता है वो चलाजा कहलाता है, कैलाजा कहलाता है। उसके बाद अंदर की ओर थैली जैसी रचना होती है। थैली जैसी रचना के चारों तरफ पैरेन्काइमा ऊतक का बना हुआ एक विशेष ऊतक होता है जिसे हम लोग बीजांड का या फिर न्यूसिलस कहते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अंदर थैली जैसी रचना होती है जिसे सम्मिलित रूप से भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में कैलाजा वाली दिशा में तीन एंटीपोडल सेल होती हैं, बीच में दो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं और नीचे की ओर इगापराटस होता है। इगापराटस में ऊपर की ओर बड़ी कोशिका होती है जिसे इग सेल या फिर ओवम कहते हैं, और पार्श्व में दो छोटी कोशिकाएं होती जिन्हें सिनर्जिड सेल या फिर सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बीजांड की संरचना देखी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर